नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त। मरने के बाद आप सभी का गो ओरिजिनल लगा पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो पहला दो एपिसोड था ना, उसका बहुत सारा रिव्यू आया मेरे को व्हाट्सएप पे, तेरे को सुनने का है क्या? सुना। हाँ, रेडी रेडी। तो पहला मैसेज मेरे को आया है कि हुसैनी सर वॉज ग्रेट। ऑफकोर्स है, तो है ना। दूसरा आया है कि बब्बू है ना अपना बब्बू, उसका वो एवरग्रीन। तीसरा मेरे लिए लिखा है कि एडिटिंग वॉज टॉप नॉच। ऑफकोर्स यार, डेफिनेटली। तू नहीं होता तो पब्लिश कैसे होता? वो भी है। अच्छा, और ये वाला एक्चुअली स्पेशल मेंशन किया है कि लोकेशन बहुत सुपर था, प्रियन ने खर्चा बहुत सही किया है। मेरे बारे में कुछ है क्या आगे? अरे, तेरा मैंने पिन करके रखा हुआ है। क्या बात है। देख। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है। ओके, होस्ट बदलो देश बदलेगा। अरे ये तो स्टार्ट है, बताता हूँ तेरे को। देख, दूसरा ये है कि हाँ, ये तो हुसैनी सर ने संभाल लिया, मैं होता तो ना सहता। डिलीट कर उसको। अरे मैंने तो रिप्लाई किया उसको, भाई बेस्ट बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है। अबे तुम लोग समझते क्या हो मुझे? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आज का जो गेस्ट आने वाला है ना, उसके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किए। अच्छा, यशराज, रेड चिलीज और भी वापस आए। देखना कैसे एक दो शो ऑफर करवा लेता हूँ। क्या बात है, चैलेंज करेगा? करके दिखाऊंगा। करके दिखाएगा? हाँ ठीक है, चल कर, ओवर एक्टिंग मत कर। चल, तू जा, चल देखते क्या होता है। दिखा दो। नहीं, तू देखना क्या होता है। देखते। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, इस शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त और मरने के बाद आप सभी का घोस्ट। स्वागत करता हूं हमारे शो द एमिनेंट शो के एक नए एपिसोड में, जहां आज के हमारे गेस्ट हैं एक VFX दुनिया के कलाकार, जिनमें है टैलेंट की खूब भरमार। वेलकम टू द शो, मिस्टर कृशांक परमार। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसे? बस बढ़िया एकदम, बताओ। मैं भी फर्स्ट क्लास। ऐसे हाउ डिड यू लैंडेड, मतलब आप इस VFX फील्ड में कैसे आए? डिसाइडेड नहीं था एक्चुअली ये सब। तो कैसा है ना कि कोई भी चीज़ है ना, अब तक मैं ऐसा लग रहा है कि लाइफ में डिसाइडेड रही नहीं है, जो हो रहा है ना अपने हिसाब से हो रहा है, मतलब ठीक है चलो गो विद द फ्लो, वैसा है। सो बेसिकली फैन मूवी के वक्त, सो माई डैड गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद रेड चिलीज पीपल। R&D टीम से कोई आया था रेड चिलीज के वहाँ से, तो तभी somehow he contacted my dad for some equipments and all, media related को चीज़ों को लेके, कि हम ऐसा कुछ टेस्ट शूट करना चाहते हैं कि इसको लेके हम वहाँ पर रियल टाइम में कुछ कर सकें, चेक करना वगैरह एंड ऑल। सो वैसे करते करते देन ज़ीरो मूवी मिली थी, तो ज़ीरो का पूरा लाइक 190 days समथिंग एक्चुअली बोला गया था, 100 दिन। उसके बाद वो हो के बढ़ के इट वेंट टू 198 और समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद तभी मेरा BMM ख़त्म हुआ था मास मीडिया, एंड माय फैमिली आस्क्ड मी कि मुझे करना क्या है अभी, कि फिल्म मेकिंग का कोर्स करना है कुछ, तुम्हें नया सीखना है, बिकॉज माय फ्यू फ्रेंड्स वर आल्सो डूइंग दैट थिंग, कि उनको भी दे वर परसुइंग फॉर BFTM MFTM के लिए। ये क्या होता है BFTM? MFTM फॉर मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन, उसके लिए। सो तभी मेरे मुँह से ऐसे ही निकला, मैं बोला कि यार पढ़ाई बहुत हो गया, अभी जो भी होगा प्रैक्टिकल देखा जाएगा। एंड Within 2 months actually ज़ीरो मूवी का काम आया, एंड वैसे भी पास कर लिया था अभी मास मीडिया। उसके बाद तो आधे दर्जन लोग सोच रहे थे मास मीडिया करके उखाड़ा के तो बोला कि चलो ऐसे करके जो भी है गो विद द फ्लो वाला, तो उसमें चला जाता हूँ, प्रैक्टिकली करने मिल रहा था। बिकॉज बहुत सारे मैंने अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैं जानता हूँ, जो लोग फिल्म मेकिंग का पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी है, सो दे आस्क मी कि यार शूट पे प्रैक्टिकली कैसा होता है, मतलब एम्बियंस है वहाँ का, जो एनवायरनमेंट है, टू बी ऑनेस्ट बहुत क्योटिक होता है वहाँ पे। इट्स लाइक कि आपको ऑन द गो हर चीज़ वहाँ पे ना होनी चाहिए। सो ज़ीरो हैपेंड, मैंने ज़ीरो पे थोड़ा जाना चालू किया काम पे, एंड उसके बाद धीरे धीरे
आई टुक इनिशिएटिव कि हाँ मैं उसमें कुछ थोड़ा आगे और अच्छे से करना चाहता हूँ इस फील्ड में. सो व्हेन कोविड केम तो वो टाइम पे मैंने बैठ के टाइम अच्छा खासा सबको मिला, हर किसी को नया कुछ सीखने के लिए, किसी को कुकिंग सीखने के लिए, किसी को डांस सीखने के लिए. तो वैसे मैंने सोचा कि लाओ अब ये टाइम मैं अपने आप को और टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा एडवांस कर लेता हूँ. तो मैं बोला कि जो भी नया आ रहा है, जो भी है वो सीख लेता हूँ बैठ के आराम से, क्योंकि जब वापस शूट रेज्यूम होगा तो समहाउ ये मुझे ही बहुत हेल्प करेगा टेक्निकली अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज मेरा मेजॉरिटी शूट का काम रहता है, ऑन शूट का काम ज़्यादा रहता है रादर देन अ स्टूडियो वर्क. नो डाउट आई हैव डन स्टूडियो का भी जॉब एक्सपीरियंस है अभी मेरे पास अच्छा खासा एज अ सीजी जर्नलिस्ट. बट शूट पे कैसा रहता ना कि वहाँ पे डायरेक्टर इफ ही आस्क्स यू कि यार मेरे को ये शॉट में कुछ अलग से इसमें कुछ करना है विजुअली वैसा सब, सो VFX सुपरवाइजर हैज़ 2 मिनट्स, 2 से 3 मिनट रहता है, उसको सोचना पड़ता है और उसको ये कंफर्म बताना पड़ता है कि वहाँ पे ये शॉट होगा कि नहीं होगा उससे. तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है अभी सिचुएशन एज अ VFX पर्सन कि हाँ ये अगर इसको रियलिस्टिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे लाइक दैट. तो अगर सैलरी वगैरह की बात करो पैकेज की तो कितनी मिल जाती होगी? मैं तो पर डे वाला आदमी हूँ वैसे मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से. अब मैं तो मेरे को क्या है, मेरे को पैशन भी है, मेरे को अब मेरे को कैसा ना कोई फ्री में सीखने मिलता है ना जो चीज़ वो ले लो वैसा है. तो यहाँ पे भी कैसा है कि टचवुड जो भी है कि डायरेक्टली इंडस्ट्री में एंटर होने मिला, सीधा वहाँ पे ऑन फील्ड बड़े लोग के साथ काम करने मिला, और सबसे बड़ा तो मुझे शाहरुख सर के साथ काम करने मिला. तो मैं बोला कि अरे भाई इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती. लोग कितना बोले ना कि ट्राई करते हैं कि कैसे करके कनेक्शन करें, ये करें, वो करें, बट आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको मिल गया. बट वो चीज़ को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड कभी किसी भी चीज़ को लिया ही नहीं है, बिकॉज जितना बड़ा लेवल ना उतना बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कुछ चीज़ों को लेकर. लगता है कि नहीं अगर ये चीज़ है, ये मिला है, तो उसको मेनटेन करके और आगे भी बढ़ना है, तो वो मेहनत करनी पड़ती है ऑफकोर्स हर किसी को. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब शाहरुख सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई. आप मतलब ऐसे पर्सनली भी मिले होंगे या वैनिटी वैन में या समवेयर एल्स? सेट पे तो ऐसे कई बार मिले ही है बस. पर्सनल मुलाकातों में तो ऐसे कोई टिप वगैरह ऐसा कुछ दिया उन्होंने आपको, सजेशन समथिंग? टिप एज इन तो मेरे को टिप नहीं कहूँगा मैं. मेरे को एक बार मेरा उनसे बहुत अच्छा खासा, हालांकि हम लोग शूट पे ज़्यादा ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा बिजी रहते और वो अपने शॉट्स देने में बिजी होते, हम लोग हमारा काम में ज़्यादा बिजी रहते, इन्वॉल्व रहते, क्योंकि हमारा कैसा ना ऑन द टोज काम रहता है शूट पे. और ख़ास करके अगर एडीज़ जो रहते हैं उनको तो एनी टाइम कभी भी देखोगे ना तो वो कभी बैठे नहीं रहते. एडीज़ जो रहते हैं ना कभी लाइफ में चेयर पर नहीं बैठते, वो लोग भागते रहते हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ. एंड मेरा तो हालांकि ठीक है, मेरा जो काम है वो बैठ के ही आराम से पीसी मॉनिटर पे बैठ के वो सब पे बैठ के ही काम है, बट स्टिल हम लोग ऑन द टोज ही रहते हैं फुल टाइम, क्योंकि हम लोग को हर एक फ्रेम को चेक करना पड़ता है बैठ के कि यार यहाँ पे ये मिस्टेक लग रहा है, यार इसको हमको ये करेक्शन करना पड़ेगा वो. सो इतना तालमेल इतना होता नहीं, बट वो सामने से कई बार आते हैं, ऐसा नहीं है. शॉट्स चेक करने के लिए खुद भी आते हैं, देखते हैं बैठ के कि कैसा लग रहा है. एक बार सही हुआ था पठान के वक्त, मैं बैठा था एंड ही केम एंड ही आस्क्ड मी कि अरे बेटा कोई शॉट्स हुए तो दिखा वगैरह वगैरह. तो मैं बोला कि हाँ सर हुए कुछ शॉट्स, आशुतोष राणा के कुछ शॉट थे मैंने उनके किए थे थोड़े वहाँ पे बैठ के, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है बढ़िया मेरा वाला. बोला सर अभी जैसा आपका हुआ है तो मैं देखता हूँ करके. एंड इज़ वेरी फ्रेंडली, मतलब कैसा ना कि लाइक उनका कैसा है कि वो अगर तुमसे बात कर रहे हैं ना तो वो 100% ऑफ हिम इज़ ओनली विथ यू वैसा है. सो बहुत बड़ी बात होती है ये. अब मैं ऐसा समझता हूँ, अगर ऐसा बोल रहा हूँ मतलब कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि हम में से कोई ऐसा बड़ा आदमी बन गया तो वो चीज़ मेंटेन करना, वो ऐसा रखना कि हाँ मैं भले ही बड़ा आदमी हूँ बट हाउ टू स्टे हम्बल इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड टोटली मैं बोलूँ वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ की जो उनको मिला है आज की तारीख में. सो बात करते हो मुझे मुझे मैंने उनको मेरी एक फ़िल्म दिखाई थी तभी, मैंने एक फिल्म बनाई थी कोविड के वक्त प्यार की खिड़की करके. हाँ तो सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मैंने उनको बोला कि सर ये मैंने फ़िल्म बनाई है करके, तो वो देखने बैठे तो कुछ कुल मिला के 5 मिनट की फिल्म रही होगी विद क्रेडिट्स एंड ऑल. सो देख रहे थे उतने में AD आया, उसने बोला कि सर शॉट आपका रेडी है एंड ऑल.
मैं थोड़ा नर्वस हो गया, अरे भाई अभी मैं सामने से उनके पास फ़ोन कैसे लूँ ये चीज़ को लेके, कि हाँ मैं बड़ी दुविधा में आ गया कि अभी फ़ोन लूँ इनके हाथ से, कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता था, और मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि देख रहे और मुझे भी देख रहे उसमें, मैं एक्ट कर रहा हूँ उसमें करके, तो मैं बोला कि क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं बार बार है ना फ़ोन को देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे करके ऐसे देख रहा हूँ कि क्या रिएक्ट करेंगे क्या रिएक्ट करेंगे, अरे मेरा वाला शॉट आया था इसमें क्या रिएक्ट करेंगे, हाँ अच्छा लगा, अरे हंसी आ रही है इनको, अरे वाह अच्छा लगा मेरे को भी कि मेरे वाले पे भी हंसी है वो, तो सीन ऐसा हो गया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि टाइम कितना बचा है, सो रफली कुछ 1 मिनट का कुछ बचा हुआ था टाइम, सो ही फिनिश्ड देखना, प्रॉपर 1 मिनट का बाकी था, ही सॉ इट ऑल एंड उसके बाद वो अपना शॉट देने गए, फिर आए आके मुझे बताया कि भाई बेटा तूने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तूने म्यूज़िक को लेके अच्छे से वेल कोरियोग्राफ करके उसको शूट किया एंड ऑल, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया मेरे को बैठ के कि यार मैंने भी ऐसी फिल्म बनाई घर पे बैठ के थोड़ा टाइम लेके, तो वो अपना लैपटॉप लेके मेरे पास भी बैठे दिखाने के लिए ऐसा सब, बोला कि यार इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी शाहरुख खान से इतना ज़्यादा भाईचारा, और वो दिन वो दैट वाज वो 2021 में आई गेस 29 ईयर्स उनको कंप्लीट हुए थे वही दिन पे, हाँ तो मैंने उनको वो भी पूछा था आपका पहला दिन कैसा था मतलब सेट पे या कहाँ था, तो ही रिमेम्बर्ड ही सेट कि अंधेरी में ही मेरा यहाँ पे शूट था एक फिल्म का वगैरह वगैरह, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सुबह मैं आ गया था सेट पे, समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड मी दिस थिंग। बोला कि यार बंदा इतना इंटरेक्टिव है सामने से, बोला कि यार टू गुड, मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस कभी ऐसा हाँ वो फील होता है एक एक कि हाँ कोई आ रहा है सेट पे ऐसा करके, एक हैवी एक बंदा कोई आ रहा है, औरा, अरे खतरनाक है उनका औरा। वॉट अबाउट सलमान सर, उनके साथ भी आपने Tiger 3 में काम किया है तो? हाँ बहुत कम किया है एक्चुअली, मैं पैच शूट्स के लिए गया हूँ उनके, बहुत बहुत कम काम किया है उनके साथ, मतलब ज़्यादा एक राधे में भी गया था बट तभी भी इतना कुछ ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम नहीं किया था, आई वॉज वर्किंग देयर रेड चिलीज की टीम के साथ ही वहाँ पर भी था, राधे के कुछ 3 दिन का स्केड्यूल था बट उनके साथ एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट हाँ एक खाली लास्ट ईयर हुआ था कि यशराज में भी वो शूटिंग एंड भाई आए और पूरा सेट खड़ा हो गया, भाई आए तो भाई बैठे फिर भी सब खड़े ही रहे, रुतबा हाँ कोई बैठा नहीं उसके बाद, डायरेक्टर भी नहीं बैठा। सो मैंने ये भी सुना है कि आप पहले थिएटर्स करते थे, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और थिएटर आपका चालू है कि यू आर फुल्ली इनटू VFX नाउ? अभी तो फुल्ली मैं इसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ थिएटर को, मतलब मैंने लास्ट अभी एक प्ले किया था 2 साल पहले किया था, वो भी 2 साल पहले, 2 साल पहले किया था मैंने, हुसैनी सर के साथ ही था, हुसैनी सर मनोज सर उन लोग के साथ ही था वो, उसके बाद नहीं उसके बाद ऐसा कोई प्ले किया नहीं है, हालांकि मेरी मॉम खुद लिखती भी है, शी इज़ अ राइटर ऑल्सो, उनके साथ काफ़ी प्लेज किए हैं मैंने, मम्मी के साथ इसीलिए ज़्यादा प्लेज किए क्योंकि बाकी कोई मेरे को लेता नहीं था इतना भी सच नहीं बोलना था ऑन कैम ऐसा नहीं है बट मम्मी को भी पहले से ही बहुत इच्छा ऐसे थी लिखने की, और उसके कॉलेज के टाइम से मम्मी भी खुद थिएटर करती आई है वैसा है, बट हाँ मैं एक्चुअली अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं लग रहा इस चीज़ को लेकर, उल्टा मैं ऐसा सोचूंगा कि चलो मेरे पास बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस है, मैंने डांस भी किया है, मैंने डांस क्लास भी किया, मैंने बच्चों को भी डांस सिखाया है उनके एनुअल फंक्शन में, बहुत सारी चीज़ें की ऐसे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है ना वो ले लो, वो कहाँ कब क्या काम आ जाए पता नहीं है, जैसे कि थिएटर थिएटर मैंने सोचा था बट एक्चुअली एट दी एंड मैं इसमें एंड अप हो गया, और इसका भी नॉलेज मिला है मुझे जो भी है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और कैसा ना कोई लिमिट नहीं होता, कोई एज नहीं रहता, हर सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई कोई भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है वैसा है, तो मैं बोला कि हाँ चलेगा गो विद द फ्लो, जो आ रहा है वो लपेट लेंगे, उससे जो मिलेगा पैसा वो कमा लेंगे, फिर खुद की फिल्म प्रोड्यूस कर लेंगे, उसमें खुद ही एक्टर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आर शो, और आप जो ये यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रहे हो, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हो, ऐसा कुछ छोटा सा जुगाड़ नहीं है कि लाइक शाहरुख सलमान सर हमारे शो पर आ जाए विथ योर हेल्प? कुछ तो जुगाड़ बताते जाओ। अरे चल 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 ये तो चले गए।
आप क्यों वेट कर रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक मैं उनको पटा के आता ताकि शाहरुख सलमान भी आए मेरे शो पे।